स्कूल तबेला बन गया है, परिवार ने स्कूल में अपना घर बना रखा है, अपने पशुओं को भी स्कूल में बांधा है। बीएसए बलिया खंड विकास अधिकारी को इसकी जांच सौंपी गई है। और इस बीच एक और इंपॉर्टेंट खबर है, सीएम कार्यालय ने काट दिए कई एजेंसियों के नाम, 1,000 करोड़ से ज्यादा के काम की एजेंसी बदल दी। आईटीआई, सीएचसी और पीएचसी, निर्माण होने थे डिग्री कॉलेज, हॉस्पिटल आदि की एजेंसी, इन सब की बदली गई है। उत्तर प्रदेश में 1,000 करोड़ के प्रोजेक्ट पर ग्रहण लग गया है। पंचम तल ने निर्माण एजेंसी बदली है। भारत समाचार के स्टेटहेड वीरेंद्र सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। इसके पीछे क्या वजह हो सकती है, कई एजेंसियों को क्यों बदला गया है? देखिए राहुल, ये बड़ी अजीब तरह का स्थिति है कि जो मंत्री एजेंसियों को नामित कहते हैं विभिन्न मंत्री और मुख्यमंत्री के यहाँ वो अनुपस्थिति फाइल जाती है और वहाँ पर वो फाइल करते हैं एजेंसियाँ बदल दी गई निर्माण कार्य की। ये स्वास्थ्य विभाग की, समाज कल्याण की, अल्पसंख्यक कल्याण की और विभिन्न सारे विभागों के निर्माण कार्य होने रहते हैं। हाँ। तो मंत्रियों ने समाज कल्याण निर्माण निगम को, पैटमेट को, लाइफमेट को, यूपीआरएनएन को, आवास विकास परिषद को, तमाम सारी एजेंसियों को नामित किया था, लेकिन पंचम तल से मुख्यमंत्री कार्यालय से सब एजेंसियां काटकर पीडब्ल्यूडी को कार्यदायी संस्था बना दिया गया। करीब 1,000 करोड़ से ज्यादा के काम है। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि अगर जो एजेंसियां व्यवसाय के आधार पर बनी है, अगर उनको काम नहीं मिलेगा तो अपने कर्मचारियों को वेतन नहीं दे पाएंगी और निगम बर्बाद हो जाएंगे। निगमों का निर्माण ही इसीलिए हुआ था। अब पीडब्ल्यूडी के पास इतना संसाधन नहीं है कि उसको आप एक थोक भर में काम दे दे रहे हैं, उसके पास आदमी नहीं है, वो काम कितने समय पूरा होगा, तमाम सारी तकनीकी दिक्कतें हैं। लेकिन ये बहुत बड़ी खबर है कि मंत्रियों के अधिकारों में जो कहा जाए कि मंत्रियों को अधिकार एजेंसी नामित करने का, वो काट दिया गया है, उसमें भारी कटौती हो रही है। और जब से डीके सिंह को जो पीडब्ल्यूडी की एजेंसी थे उनको सलाहकार बनाया गया है सभी योजनाओं के लिए, तब से ये नई व्यवस्था शुरू हुई है। आने वाले समय में इसका क्या खामियाजा उठाना पड़ सकता है? भारत सरकार की गाइडलाइन है कि ईपीसी मोड पर कराया जाए। उसमें उत्तर प्रदेश में खाली पीडब्ल्यूडी आती है, इस तरह से काम ऑडिट हो रहे हैं तो खामियाजा ये होगा कि और निगम है जो बिल्डिंग बनाते हैं, निर्माण का संबंध हो जाएंगे, बैठ जाएंगे, कर्मचारियों की तनख्वाहें नहीं मिलेगी। यूपीआरएनएन जैसा जो प्रतिष्ठित निगम है पूरे देश और दुनिया में, समाज कल्याण राजकीय निर्माण निगम का व्यवसाय घट रहा है, उसको 50 करोड़ के ऊपर काम नहीं दिए जा रहे, रोक दिए गए हैं, और जबकि वो 1,000 करोड़ के प्रोजेक्ट करता है। तो ये सब यूपी में निगम आप सब जो है बंद हो जाएंगे, ठप हो जाएंगे। शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट खबर है इसके बाद।